हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपकी जो फ़ोन में फ़ोटो हो या वीडियो हो, आपका प्राइवेट फ़ोटो हो या जो भी फ़ोटो हो, उसको किस तरीके से छुपाओगे। आज हम ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से कोई बिना एप्लीकेशन के इस तरीके से आप छुपा दोगे कि आपका मोबाइल कोई भी ले लेगा तो उसका नानी क्यों ना मर जाए, लेकिन आपका फ़ोटो वीडियो वो नहीं निकाल सकेगा। आपका मोबाइल में रीसेट मारने पर, कुछ किछ भी करने पर सारा फ़ोटो डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो फ़ोटो आपको डिलीट नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बारीक से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम मोबाइल स्क्रीन पर आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको अपना इमेज में जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी आपको यहाँ पर इमेज है ना, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा फोटो है। आपको देखना होगा कि आपको कौन सा फोटो को चुराना है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं आपको, हम ये दो फोटो को देखिए दोस्तों, एक इसे दबिएगा, ऐसे दबिएगा। दबने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्लू कलर का, ब्लू से यहाँ पर निशान लग गया। निशान लगने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर ये साइड में देखिए कुना में, यहाँ पर दो लाइन का, दो बुनका है ना, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर मूव द फाइल सेव, इस पर आप जाइएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरीका का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको पासपोर्ट मांगेगा, तो आप पासपोर्ट इस पर दे दीजिएगा। तो मेरा पासपोर्ट है 5 4 3 2 1 6। देखिए दोस्तों, पासपोर्ट देते ही इसमें सेव हो गया। देखिए दोस्तों, इसमें सेव हो गया। और फिर से हम बैक जाता हूं। देखिए दोस्तों, बैक जाने के बाद यहां पर से वो गायब हो गया, आपको फोन ग्लोरी में से वो फोटो गायब हो जाएगा। गायब होकर के आप उस पर चला जाएगा जाने के। अब कोई भी आदमी वो फोटो इसमें खोजेगा, उसको नहीं मिलेगा। जब तक उसको पासपोर्ट नहीं मालूम होगा तो खोल भी नहीं पाएगा। अब आपको प्रोसेस बता रहा हूं कि किस तरीका से फिर उसको आपको जब बाहर निकालने को होगा तो किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पर जाइएगा। देखिए दोस्तों, अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर फाइल सेव, देखिए ये फाइल सेव कुना में फाइल सेव है ना, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर से आप यहाँ पर ये जो आपको पासपोर्ट मांगेगा ना, वो पासपोर्ट दाब दीजिएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर पासपोर्ट दे देता हूँ, 5 4 3 2 1 6। देखिए दोस्तों, पासपोर्ट देने के बाद यहाँ पर आपको फाइल में हो जाएगा। तो आप यहाँ पर फाइल में चेक कर लीजिएगा कि कौन सा फाइल में है। तो मैं यहाँ पर, मेरा इसमें ऊपर वाला में इमेज, देखिए दोस्तों इसमें से ये दो है ना। देखिए दोस्तों, बहुत सारा फोटो है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब जिस फोटो का आपको बाहर निकालना है ना, उसको आप ऐसे करके दाबिएगा। दाबने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना, एक कोना में देखिए, यहाँ पर मूव आउट, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर ऐसे क्लिक कीजिएगा ना, देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना अदर्स डायरेक्शन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एसडी कार्ड में आइएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस पर दाबिएगा। दाबने के बाद ये जो देखिए पेस्ट है ना, पेस्ट कर दीजिएगा, बाहर हो गया। बस इतना ही सा है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।